अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 1 सेट्स, एक्सरसाइज नंबर 1.1, पेज नंबर 6। स्टूडेंट्स टेक आउट योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 6। स्टूडेंट्स टुडेज टॉपिक इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। लेट स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट। If the number of elements in a set is limited, the set is called finite set. Okay, students, अब explain करती चलूँ कि आपके जो element होंगे set में, जो कि मैंने आपको पिछली वाली video में बताया था कि element किसे कहते हैं, तो आपके element अगर set में limited होंगे तो आपका जो set है वो क्या कहलाएगा, वो finite set कहलाएगा। स्टूडेंट्स अब हम एग्जाम्पल के ज़रिए सीखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने यहाँ पर राइट की है। एक सेट है जो सेट ए है हमारे पास, द सेट ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पर जो है मैंने 1 to 5 जो है वो डिजिट्स राइट किए, एलिमेंट्स राइट किए, कितने 1 to 5। अब यहाँ पर एक लिमिट है कि आपको जो एंड है वो कहाँ पर होगा, फर्स्ट 5 नंबर पर एंड होगा, यानी कि जो आपकी लिमिट एंड है वो क्या है, 5 आपकी लिमिट है, तो ये कौन सा सेट कहलाएगा, आपका फाइनाइट सेट कहलाएगा। एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास, एक बी सेट है, उसके उसमें क्या है, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स अप टू 50। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास नेचुरल नंबर्स है और कहाँ तक है, 50 तक है, यानी कि इसकी जो लिमिट है वो क्या है, 50, तो हमारा ये भी सेट कौन सा कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास है, सेट सी है हमारे पास, सेट ऑफ द फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या है, इवन नंबर का सेट है फर्स्ट 5। अब इसकी जो लिमिट है वो कहाँ तक की है, 10 तक की, यानी कि मैंने यहाँ पर जो डिजिट राइट किए वो क्या है, 2, 4, 6, 8 and 10। जो लिमिट हमारे पास है वो क्या है, 10 तक की, यानी कि 5 डिजिट आपके लिमिटेड है, यानी कि 10 जो है आपका लिमिट है, तो यहाँ पर कौन सा सेट आएगा, क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स अब हम इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज नॉट लिमिटेड, इट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। स्टूडेंट्स अगर हमारे सेट के एलिमेंट जो है वो लिमिटेड नहीं होंगे तो वो सेट कौन सा सेट कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। स्टूडेंट्स अब हम इनफाइनाइट जो सेट है वो हम एग्जांपल के ज़रिए सीखेंगे। अब यहाँ पर मैंने सेट एन राइट किया है, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स। अब सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स मैंने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स राइट किए हैं, वो क्या है, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। इनफाइनाइट सेट की मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी कि जिसमें कोई लिमिट ना हो, ठीक है, तो लिमिटेड नहीं होता है। तो यहाँ पर 1 to 4 तो मैंने राइट कर दिया है, लेकिन आगे लिमिट हमें नहीं पता थी कि कहाँ तक हमें राइट करना है, तो इसलिए आप डॉट लगा देंगे कि आप ये कंटिन्यू है। डॉट का मतलब क्या है कि आगे कंटिन्यू है लेकिन हमें उसकी लिमिट नहीं पता है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कौन सा सेट राइट करेंगे, इनफाइनाइट सेट राइट करेंगे। स्टूडेंट्स अब मज़ीद एग्जांपल हमारे पास है। एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास, एक सेट W राइट किया है मैंने यहाँ पर, सेट ऑफ द होल नंबर्स। अब यहाँ पर जो एलिमेंट है वो क्या है, 0, 1, 2, 3। अब जो यहाँ पर भी है हमें कोई लिमिट नहीं पता है कि होल नंबर के कितने हमें जो है एलिमेंट्स राइट करने थे, फर्स्ट 4 राइट करने थे, फर्स्ट 5 राइट करने थे, लेकिन हमें कोई लिमिट नहीं पता है, तो इसलिए भी हम यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, आगे कोमा के बाद हम डॉट 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 लगा देंगे कि हमारे पास क्या है, ये जो सेट है वो क्या है, कंटिन्यू है, क्योंकि हमें लिमिट नहीं पता है। जब हमें लिमिट नहीं पता होगी किसी सेट की तो वो सेट कौन सा सेट कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। एग्जांपल नंबर 3 हमारे पास है, पी सेट मैंने यहाँ पर राइट किया है, द सेट ऑफ द प्राइम नंबर। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मैंने राइट की है। अब यहाँ पर भी हमारे पास कोई लिमिट हमें नहीं पता है कि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, फर्स्ट 4 ना लिखा हुआ है ना फर्स्ट 5 लिखा हुआ है, तो या ये भी कौन सा सेट कहलाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, तो कौन सा सेट कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा।
आई होप आप लोगों को फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1.2, पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1, सेपरेट फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स इन द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, इसमें कुछ पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं 1 to 7। अब इसमें से आपके पास वो फाइनाइट सेट भी है और इनफाइनाइट सेट भी है, जिसे आपको सेपरेट करना है, अलग अलग करना है। अगर जो फाइनाइट सेट होगा उसके आगे आप फाइनाइट सेट लिखेंगे और जो इनफाइनाइट सेट होगा उसके आगे आप इनफाइनाइट सेट राइट करेंगे। स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 1 है हमारे पास है, सेट ए हमारे पास मौजूद है, द सेट ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। क्या इस सेट में आपके पास लिमिट मौजूद है? तो जी हाँ स्टूडेंट्स, इस सेट में आपके पास लिमिट मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, 1, 1, 2, 10 एलिमेंट्स जो है हमारे पास मौजूद है। क्या हमारे पास लिमिट हमें मालूम है? तो हाँ स्टूडेंट्स, हमें मालूम है। ये सेट कौन सा सेट कहलाएगा? फाइनाइट सेट कहलाएगा। स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 2 हमारे पास है, सेट बी हमारे पास है, सेट बी में हमारे पास जो सेट है वो क्या है, द सेट ऑफ द ओड नंबर्स। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास कोई लिमिट हमें मालूम है? तो स्टूडेंट्स, हमें कोई लिमिट मालूम नहीं है। यहाँ पर कि एंड कहाँ पर हो रहा है, कितनी लिमिट हमारे पास ओड नंबर्स के हैं, कितने ओड नंबर्स हमें एंड जो है वो कहाँ पर करना है, तो ये कौन सा सेट कहलाएगा आपका? इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट 1 to 8 फ्रॉम यूनिट नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1.1, पेज नंबर 6। आप रजिस्टर में सॉल्व करेंगे और रजिस्टर स्कूल में जमा करवाएंगे। स्टूडेंट्स, ये आपका असाइनमेंट है, जो कि आप वर्कशीट में ही जो है आप सॉल्व करेंगे और वर्कशीट स्कूल में जमा करवाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।